नमस्ते एंड यू आर वेलकम बैक टू माई चैनल वेकी मून। आज मैं पहले एक बात कहना चाहती हूँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी यूट्यूब में नहीं हूँ और कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आगे भी आप लोग ऐसे वीडियो देखते रहिए और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा अलग अलग वीडियो बना के दे पाऊँ, तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा। आज मैं कुछ ऐसा बनाने जा रही हूँ जो मेरे पापा के लिए है। तो उनका जो टूल किट का सामान है वो इधर उधर बिखरा रहता है, एक बैग में ऐसे ही डाल के रखे हैं वो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जहाँ पे वो उन चीज़ों को अच्छे से रख पाए, सेट करके अच्छे से रख पाए। तो मैंने इसीलिए आज कुछ सामान इकट्ठा किया है जिससे मैं उस बॉक्स को बनाऊँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा, मैं हर चीज़ को डिटेल में बताने की कोशिश करूँगी, तो देखते हैं कि कैसा बनता है। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लकड़ी का जो सामान है वो कितना कितना साइज़ का है ये मैं दिखा देती हूँ। ये एक इतना बड़ा सा है, फिर इससे एक छोटा सा ये है, इसका लगभग आधे साइज़ का है आधा। तो मेन तो यही दो है और एक पुराना डंडा था, वो मच्छरदानी लगाने वाला डंडा था जिसको मैंने दो पीस में काट लिया है छोटा। ये इसके हाइट का है, ये जो छोटा वाला है इसके हाइट का है, और इसके अलावा इस तरीके के दो हैं और कुछ ऐसा टुकड़ा कहीं पे पड़ा हुआ था इस तरीके का एक दो टुकड़ा, तो अभी यही है बस। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, सबसे पहले तो मैं इन सबको कलर कर लूँगी क्योंकि बाद में कलर करना मुश्किल हो सकता है। तो ये ऑरेंज कलर है जिसको मैं पूरा कलर कर लूँगी, और कुछ पुराने डब्बे भी ले लिए हैं, इसमें हॉर्लिक्स का डब्बा और पेंट वगैरह का डब्बा है। मैं इस टूल बॉक्स को बनाने के लिए ज़्यादातर जो इधर उधर पड़ी हुई चीज़ें हैं वही यूज़ कर रही हूँ। अभी इनको यहाँ से काट लेंगे। डब्बों को काटने के बाद इसको भी पेंट कर लूँगी, और ये कुछ पीवीसी पाइप भी है। अब ये पेंट करके हो गया है, अब ये जो दो बड़े पीस है इनको मतलब इसके ऊपर इस तरह से लगाऊंगी, इस वाले को इस तरह से यहाँ पे फिक्स कर दूंगी, मतलब पूरा बीच में भी नहीं लगा रही हूँ मैं, थोड़ा सा साइड में लगा रही हूँ। अभी इसको जहाँ जहाँ ड्रिल किया है वहाँ पे इसको डाल के फिर स्क्रू लगा के टाइट कर देंगे। अब ये फिट हो चुका है, ये काफ़ी मजबूत हो गया है अभी। तो अभी इसके बाद क्या करेंगे, इसके इस तरफ वाला जो हिस्सा है वहाँ पे इस साइज़ के जो काट के रखे थे इसको यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, इस तरह से इन दो टुकड़ों को यहाँ पे इस तरह से फिक्स कर देंगे। अभी ये दो भी लग गया है, अभी इसके बाद ये जो लकड़ी था उसको इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कील से लगा देंगे। बाद में इसके बीच में छोटे छोटे वो पीवीसी पाइप्स को लगाएंगे। यहाँ तक हो गया है, अभी इसके बाद जो मैंने इस तरीके के बॉक्सेस कलर कर रखे थे अब उसको ले लूँगी, अब इनको यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे लगा दूँगी। पहले बड़े वाले को लगा लेती हूँ, इस
इस प्लास्टिक को इसके अंदर डालने के बाद जो भी हमें फ़िट करना है उसको यहाँ पे लगा के स्क्रू के साथ हम फिक्स कर देंगे। अभी यहाँ तक होने के बाद जो ये नेट है, इस तरीके का नेट है, ये ऐसे टुकड़ा ही बचा हुआ था, घर में जो नेट के जाले लगते हैं ना वहाँ से ये बच गया था, तो इसी तरीके का था, ऐसा दो तीन ऐसे ही कटा हुआ था, तो मैं उसी में से एक ले रही हूँ। तो पहले तो इसका जो साइड वाला पार्ट है उसको मोड़ के अच्छे से इसको मतलब वो कर लिया ताकि हाथ में ना लगे। तो उसके बाद क्या करेंगे कि इसमें इस तरीके से इस लकड़ी में ये जो छोटी वाली कील है इसको लगाते हुए पूरे साइड में लगा देंगे। इस नेट को हम कैंची से भी काट सकते हैं, ये स्टील का नेट है, इसमें कभी जंग भी नहीं लगेगा। अभी लास्ट में ये जो लास्ट लकड़ी रखी थी, वैसे ये नहीं लगाने से भी हो जाता लेकिन मेरे पास इस डिज़ाइन का था तो मैंने कलर कर रखा था यहाँ पे लगाने के लिए, तो अभी ये ऐसा बन गया है। अभी इसके ऊपर यहाँ से यहाँ तक इन दो लकड़ियों को लगा दूँगी। अभी ये कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें अभी हैंडल लगा देंगे। तो ये हैंडल है मेरे पास, मैं यहाँ पे लगा दूँगी इस तरीके से। ये छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए काम आएगा और इन पाइप्स में भी कुछ रख सकते हैं।